नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनितोष महतो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना रिजल्ट पब्लिश किया है, तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट का अंतर, क्योंकि रिजल्ट मैंने जैसा देखा है बहुत भयंकर प्रॉफिट बन के आया है कंपनी का, लेकिन देखेंगे उस प्रॉफिट का रियल में वो प्रॉफिट क्या प्रॉफिट है, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट, बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिली है। चलिए देखते हैं क्या है बेसिकली। वो बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू 332 को जनरेट किया ऑपरेशनल रेवेन्यू, जबकि पिछले क्वार्टर में 125 को जनरेट किया था, पिछले साल 121 को जनरेट किए थे। तो देखा जाए तो एक शानदार जंप देखने को मिली है, मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर और ईयर ऑफ ईयर दोनों बेशक, मतलब 121 करोड़ के मुकाबले 332 करोड़, मतलब बोले तो ऑलमोस्ट 300%, 3 गुना के आसपास बढ़ चुका है, मतलब साल दर साल, अब मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर दोनों। तो बहुत ही शानदार रेवेन्यू में जंप देखने को मिली है कोल इंडिया की तरफ से। चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस में क्या कंपनी ने दिखाया अपना। बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी ने 179 करोड़ एक्सपेंस खर्च किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ खर्च किए थे और पिछले साल 198 करोड़ खर्च किए थे। ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, बहुत ही ताज्जुब होने वाली बात है। मैं इसलिए ताज्जुब होने वाली बात बोला क्योंकि ये थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखिए आप, क्योंकि कंपनी ने जब रेवेन्यू अपना जनरेट किया था 125 करोड़, तब उन्होंने 217 करोड़ एक्सपेंस किया था, लेकिन जब यहाँ 332 करोड़ उन्होंने जनरेट किया, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया, अब बस 179, मतलब कितना ज़्यादा उन्होंने अपने खर्चे को कम किया है, ये मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाली है, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली ये बात है। क्योंकि जहाँ 332 करोड़ उन्होंने मतलब रिवेन्यू जनरेट किया, वहाँ बस 179, बस 179, जब पिछली बार 125 किए थे तो 217, मतलब पिछली बार रिवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंस है, लेकिन इस बार एक्सपेंस रिवेन्यू से कम एक्सपेंस है, बहुत ही हैरान कर देने वाली रिजल्ट है ये। चलिए देखते हैं बेसिकली क्या प्रॉफिट रिजल्ट बन के, प्रॉफिट और लॉस बन के आता है इस क्वार्टर का। बेसिकली 1813 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार शो किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 49 करोड़ का लॉस शो किया था, अब पिछले साल 20 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। ये मतलब आप मतलब हैरान करने वाला, एकदम पागल कर देने वाला रिजल्ट है ये। मैं इसलिए बोला क्योंकि 50 करोड़ लॉस पिछले क्वार्टर में दिया, अभी 1813 करोड़ प्रॉफिट, मतलब डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना नहीं, बहुत गुना ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न बना के दिया है। लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बता दूँ, इसकी सच्चाई बहुत अलग है, क्योंकि इसमें जो आपको उतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आ रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये है अदर इनकम। ये देखिए, क्योंकि अदर इनकम के थ्रू कंपनी ने इस क्वार्टर में 1690 करोड़ जनरेट किए हैं, पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ था, पिछले साल 87 करोड़ था। तो अदर इनकम किसी और इनकम के थ्रू कंपनी ने 1690 करोड़ जनरेट किए हैं, इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप चलिए बाय मिस्टेक चलिए इस 1690 करोड़ को अगर घटा भी दें हम इस प्रॉफिट में से, मतलब इस प्रॉफिट 1813 में से 1690 को हम घटा भी दें, तो अप्रॉक्सीमेटली 124 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है। 124 करोड़ का प्रॉफिट अगर यहाँ लगा दीजिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 124 करोड़ प्रॉफिट शो किया, पिछले क्वार्टर में -50 करोड़ था, अब पिछले साल 20 करोड़ था, तो उस हिसाब से देखिए तो 600% का रिटर्न है कंपनी के पास इस क्वार्टर में साल दर साल। अब पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, वो तो 20 गुना के आसपास का रिटर्न दिखाया गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही भयंकर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिली है। इसका आपको प्रूफ इस तरह से भी दिख सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का EPS 2.94 है, पिछली बार -0.08 था, अब पिछले साल 0.03 था। देखिए कहाँ 3 पैसे का EPS था, अभी 3 रुपये का EPS हो गया है, कमाल है ना। यही कमाल कोल इंडिया ने दिखाया है। बहुत सारे लोग इस पर शॉर्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट हुए थे, हर टीवी वाले हर एक्सपर्ट बोले थे कि शॉर्ट कीजिए कोल इंडिया। अब देखिए कोल इंडिया ने क्या कमाल करके दिखा दिया है, अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी, जितने भी शॉर्ट हो रहे थे इस शेयर पे सबकी बोलती कल बंद हो जाएगी। मंडे को मार्केट देखिए क्या हैरान करेगा, क्या पागल बना देगा इन लोगों को जिन्होंने इस पर शॉर्ट होने को बोला था। चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों लाइक कीजिएगा आप तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा ये, यूट्यूब सजेस्ट करेगा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती की थी इसको शॉर्ट करके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।